हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करे तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे को अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज इंटेलिजेंस का कोई सबूत नहीं है। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज दैट वी यूज टू कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस आर व्यूज। बट आजकल के ग्लोबल सिनेरियो में अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना बहुत जरूरी है। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू टीच, हाउ टू मेक योर किड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। देखिए, जब तक कोई बच्चा 3 साल तक की एज में पहुंचता है तब तक वो अपनी मदर टंग में खुद को एक्सप्रेस करना काफी अच्छे से सीख जाता है। तो उसने वो कहाँ से सीखा? फ्रॉम द फैमिली। उसने उस लैंग्वेज को, उन वर्ड्स को अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच सुना है। देन दोज वर्ड्स सेंटेंसेस बिकेम द पार्ट ऑफ इट्स मेमोरी एंड देन ही इज एबल टू स्पीक दोज सेंटेंसेस वर्ड्स वेरी इजिली। दैट मीन लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग एंड ए न्यू लैंग्वेज। सेम फॉर्मूला वर्क्स विद इंग्लिश ऑल्सो। यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू टॉक टू योर चाइल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, बच्चे से क्या बात की जाए? अगर बच्चा छोटा है तो उस समय उससे बात करना बहुत इजी रहता है, बिकॉज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप बच्चे से छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं, सिट डाउन, कम हेयर, फिनिश योर मील। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज यू कैन यूज विद अ चाइल्ड। इट वुड बी बेटर इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर चाइल्ड इन अर्ली स्टेज। टॉक विद देम अबाउट देयर सराउंडिंग्स, देयर बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स, टॉयज। अगर आप उनको पार्क ले जा रहे हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं, दिस इज ट्री, दिस इज बेंच। जब आप बच्चों को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही उसे इंग्लिश में बताइए, लाइक फैन, वाटर, मिल्क। स्लोली दीज वर्ड्स विल बिकम द पार्ट ऑफ बेबीज मेमोरी। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेम द सेंटेंसेज लेटर। जब बच्चे को उस चीज़ के बारे में इंग्लिश में क्या कहते हैं पता ही नहीं होगा, हाउ ही और शी विल गोइंग टू फ्रेम द सेंटेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू नीड टू रिपीट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने एक बार बताया दिस इज वाटर एंड वो उसके माइंड में फिक्स हो गया। नहीं, यू नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचिंग द वर्ड टॉय टू द बेबी, सो यू नीड टू यूज द वर्ड टॉय इन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस, सो द कंसेप्ट ऑफ टॉय उसके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए। लाइक This is your toy is very beautiful, baby loves this toy। तो आपको बार बार सेम सेंटेंसेस बच्चे के साथ बोलने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट ही विल बी एबल टू हेयर दो सेंटेंसेज, दो वर्ड्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम यू। थर्ड इज, नेवर गिव निकनेम्स टू थिंग्स, ऑलवेज टेल द करेक्ट वर्ड फॉर द पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप बच्चे को मम्मा मत सिखाइए, इसके बजाय बताइए दिस इज वाटर। होता क्या है कि जब हम ही निकनेम यूज़ करते हैं तो बच्चे की मेमोरी में वो ही फिक्स हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो वाटर मांगेगा तो बच्चा क्या कहेगा? मम मम। इंस्टेड ही शुड से वाटर। फोर्थ पॉइंट इज, जब भी आप बच्चे से बात कर रहे हैं यू नीड टू बी स्लो, लाउड एंड क्लियर। क्योंकि बच्चा उन वर्ड्स को बोलना आपसे सीख रहा है, वो आपकी लिपसिंग को कैच करने की कोशिश करेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनेगा कि आपने उसको कैसे प्रोनाउंस किया। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, लाउड एंड स्लो। अनदर इम्पोर्टेंट टूल इज बुक्स। Books are very important to learn any new language. If the child is up to 2 years, बच्चे को picture book ज़रूर दिखाइए। From the picture book, the child will learn the words. You need to read rhymes for them. If the child is above 2 years, you must read books for your child, specially story books. स्टोरी बुक जो बच्चों के लिए होती है वो काफ़ी ईजी भी होती हैं, बच्चों को अच्छे से समझ भी आ जाएगी, एंड इट विल गिव देम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग। इससे बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, नए नए वर्ड्स उसकी मेमोरी का पार्ट बनते चले जाएंगे। दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू फ्रेम द सेंटेंसेस लेटर। यू नीड टू बी वेरी ड्रामेटिक व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक फॉर अ चाइल्ड। आपको बहुत सारा ड्रामा उसमें क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग वंस देयर वॉज अ बिग बिग ट्री, सो यू नीड टू शो फ्रॉम योर हैंड्स, अपने आप को आपके हाथ से बिग बिग ट्री लाइक दिस यू नीड टू शो। All the animals were very scared of the lion. So you need to create that kind of drama around the words, sentences, ताकि वो बच्चे को और इंटरेस्टिंग लगे और बच्चा इजिली उन वर्ड्स को समझ पाए, उन सेंटेंसेस को याद रख पाए। सिक्स पॉइंट इज एनवायरनमेंट। आपको बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट देना होगा जिसमें वो इंग्लिश वर्ड्स को, इंग्लिश सेंटेंसेस को सीख सके। तो वो एनवायरनमेंट आप देंगे कैसे? देखिए, आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा है जो स्क्रीन टाइम नहीं लेता है। तो स्क्रीन पे कुछ भी दिखाने से बेहतर है कि आप उसे कुछ ऐसा प्रोवाइड करें जिससे वो कुछ सीख सके जो उसके लिए एजुकेशनल हो। यू कैन मेक योर चाइल्ड टू वॉच इंग्लिश टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे दिन बच्चे को स्क्रीन टाइम दीजिए, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स इन अ डे वुड बी इनफ। व्हाई आई एम सेइंग लेट देम वॉच इंग्लिश टाइम्स, बिकॉज व्हेन दे आर वॉचिंग एंड लिसनिंग एट द सेम टाइम। इससे क्या होता है कि जो कार्टून कैरेक्टर जिस तरह के मूव्स कर रहे हैं विद द वर्ड्स, वो उनको कैच कर पाते हैं। अपनी बेटी के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चा इस तरह के राइम्स को देखकर भी काफ़ी एक्शन वर्ड्स और वर्ड्स को सीखता है। लाइक
टच द ग्राउंड, मूव अराउंड, क्लैप योर हैंड्स, टच योर नोज. से बच्चा समझ रहा है व्हाट डज क्लैप योर हैंड्स मीन, व्हाट डज टच योर नोज मीन. तो एक्शन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह के राइम्स भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को सही एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, लाइक इन द 3 to 4 years एज ग्रुप, यू कैन लेट योर चाइल्ड टू वॉच कार्टून्स. बट अगेन हेयर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट लेट योर चाइल्ड टू वॉच टेलीविजन फॉर आवर्स. 20 to 25 minutes वुड बी इनफ इन अ डे, बट दैट मस्ट बी इन इंग्लिश. हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर द रोल मॉडल फॉर योर किड एंड योर किड विल फॉलो यू. तो आप जो आप बोलेंगे आपका बच्चा वो ही फॉलो करेगा. सो इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन राइट डाउन 20 सच सेंटेंसेज दैट यू विल प्रैक्टिस विद योर चाइल्ड. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉर 20 डेज, फॉर 30 डेज यू विल रिपीट दो सेंटेंसेज अगेन अगेन विद योर चाइल्ड. एंड वेन यू विल फील दैट योर चाइल्ड इज नॉट कम्फर्टेबल विद दो सेंटेंसेज, विद दोज न्यू वर्ड्स, यू कैन चेंज द लिस्ट ऑफ दो सेंटेंसेज फॉर द नेक्स्ट 20 or 30 days. बट हेयर यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिपीट those words, sentences again and again in different situations. So in the end, a first recapitulation of the thing we have discussed today. First point, you need to talk to your child whatever you can. Use simple sentences, simple words. घर की बच्चे की आसपास की सराउंडिंग को उसके साथ डिस्कस कीजिए. बच्चा जब थोड़ा बड़ा है, you can show picture books to them to tell about the words. आप उन्हें इंग्लिश राइम्स कार्टून दिखा सकते हैं जहाँ से वो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को सीखें. बट दैट शुड बी फॉर लिमिटेड टाइम, स्लो, लाउड एंड क्लियर वेन एवर यू आर टॉकिंग टू द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा आपसे उन वर्ड्स को, उन वर्ड्स के प्रोनंसिएशन को सीख रहा है. रीड स्टोरीज फॉर देम, रीड बुक्स फॉर योर चाइल्ड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कंप्लीट देयर सेंटेंसेज इफ दे आर जस्ट सेइंग वाटर. अगर वो पानी को देख के बच्चा सिर्फ कह रहा है वाटर, आपको पता चल गया कि बच्चा पानी मांग रहा है, बट नाउ व्हाट यू विल से, बेबी वॉन्ट्स वाटर. और यू कैन मोटिवेट द चाइल्ड टू स्पीक फुल सेंटेंस, लाइक से मम्मा प्लीज गिव मी वाटर. तो इस तरीके से बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हैं बोलने के लिए इंग्लिश. और धीरे धीरे ग्रेजुअली द चाइल्ड विल लर्न द वर्ड्स, एंड वर्ड्स विल हैव द चाइल्ड टू लर्न द सेंटेंसेस, एंड ग्रेजुअली योर चाइल्ड विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो आपके बच्चे की इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी जितनी बेहतर प्रैक्टिस आप उसके साथ करते हैं. आई होप मेरे आज के बताए हुए टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने में. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, ताकि किसी और पेरेंट को भी हेल्प कर सके. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. टिल देन, बाय बाय.